गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू ज्ञान मंदिर मॉडल स्कूल यूट्यूब चैनल। लास्ट वीडियो वी स्टार्टेड द लेसन नंबर 6 इंडिया रिवर्स एंड आई वाज एक्सप्लेन द वन टू टॉपिक्स, द इंट्रोडक्शन ऑफ द लेसन एंड द गंगा रिवर के बारे में भी मैंने आप लोगों को इसके बारे में एक्सप्लेन कर दिया। टुडे आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन द नेक्स्ट टॉपिक अबाउट रिवर यमुना नदी के बारे में मैं आज एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। ओके, सो यू हैव टू टेक योर टर्म बुक, फर्स्ट टर्म बुक एंड टेक द पेज नंबर 235, पेज 245, टेक इट। गंगा कहाँ से स्टार्ट होता है, कहाँ जाकर एंडिंग होता है उसका, उसके साथ कौन कौन सा रिवर्स ट्राइब्यूटरी है उसका, उसके साथ कौन कौन सा मिल जाता है, इन सब के बारे में लोगों ने लास्ट गंगा के बारे में एक्सप्लेन किया था, भी लैंड कर दिया था। नाउ यमुना, व्हाट अबाउट यमुना? द यमुना इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑफ द रिवर्स दैट जॉइन द गंगा। यमुना जो है गंगा से साथ मिलने वाली सबसे इम्पोर्टेंट नदी है, तो गंगा के साथ मिलने के बाद यमुना अलग तरह से बहती है। न्यू दिल्ली एंड आगरा आर लोकेटेड ऑन इट्स बैंक्स। कौन कौन सा सिटी इसके बैंक में है यमुना नदी के बारे में हम लोग, ट्राइब्यूटरी ऑफ गंगा एंड कौन कौन सा सिटी उसके ऊपर, न्यू दिल्ली एंड आगरा। न्यू दिल्ली एंड आगरा आर द बिग सिटीज दैट आर इन द बैंक ऑफ यमुना रिवर। यमुना रिवर के किनारे ये दोनों सिटी डेवलप हुआ है। द न्यू दिल्ली एंड आगरा आर लोकेटेड ऑन इट्स बैंक। ये दोनों सिटीज जो है, न्यू दिल्ली और आगरा जो है, कौन सी सिटी, कौन से रिवर के बैंक में है, इन द रिवर यमुना का। दिस चंबल, द चंबल इज ए रिवर दैट जॉइन द यमुना। तो गंगा के साथ यमुना, गंगा के साथ जुड़ता है, तो इसके साथ यमुना के साथ जुड़ने वाली कौन सी रिवर है, चंबा। कौन सी, चंबा। चंबा इज द रिवर दैट जॉइन्स चंबल। चंबल इज ए रिवर, चंबल रिवर जो है किसके साथ ज्वाइन हो जाता है, यमुना के साथ, यमुना नदी के साथ ज्वाइन हो जाता है। चंबल इज द रिवर दैट ज्वाइन द यमुना, द यमुना देन जॉइंस द गंगा एट अलाहाबाद और प्रयागराज। इसके बाद दोनों यम्बा और यमुना मिलके किसके साथ ज्वाइन हो जाता है, गंगा के साथ ज्वाइन होने के बाद। कहाँ, द यमुना देन जॉइंस द गंगा एट अलाहाबाद और प्रयाग। अलाहाबाद का दूसरा नाम है प्रयाग, तो अलाहाबाद में या प्रयाग में गंगा के साथ यमुना और चंबा मिल के आके इसके साथ ज्वाइन हो जाता है। ये था अबाउट यमुना नदी के बारे में। ओके, नाउ इसमें एक बॉक्स दिया है, द इनविजिबल सरस्वती इज, येलो बॉक्स, लुक एट द येलो बॉक्स ऑल ऑफ यू, द इनविजिबल सरस्वती इज ऑल्सो बिलीव टू जॉइन द गंगा इन प्रयाग फ्रॉम अंडरग्राउंड। नीचे की ओर, नीचे से बहती आई सरस्वती जो है वो भी प्रयाग में गंगा के साथ मिल जाती है फ्रॉम अंडरग्राउंड, दैट इज वाई प्रयाग इज कॉल्ड द त्रिवेणी संगम। इसीलिए प्रयाग प्लेस जो है, प्रयाग का जो जगह है उसको, उस प्लेस को त्रिवेणी संगम बोला जाता है। कौन कौन सा नदी उधर ज्वाइन हो जाता है, गंगा यमुना और सरस्वती, द जॉइन प्लेस ऑफ थ्री रिवर, द जॉइन प्लेस ऑफ थ्री रिवर्स। विच आर द रिवर्स, गंगा प्लस यमुना प्लस सरस्वती, सरस्वती अंडरग्राउंड,
तीनों रिवर एक ही कहां मिलता है? प्रयाग में। कहां मिलता है? प्रयाग में। प्रयाग या उसको बोला जाता है अलाहाबाद, प्रयाग या अलाहाबाद में ये तीनों नदी मिल जाते हैं, इसलिए उस प्लेस को बोला जाता है। तो क्या बोला जाता है? त्रिवेणी संगम। उस प्लेस को, उस पॉइंट को बोला जाता है त्रिवेणी संगम। ओके, नाउ ये था यमुना के बारे में। नाउ वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट इंदस, विच रिवर? इंदस रिवर के बारे में। ओके, ये जो अभी बताया वो यमुना कहाँ से शुरू होता है और कहाँ किस किस से ज्वाइन होता है, उस प्लेस का नाम है, कौन कौन सी इसके बैंक में कौन कौन सी सिटी लोकेटेड है, इन सब के बारे में यमुना के टॉपिक में आ गया। नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट इंदस रिवर। विच रिवर? इंदस। व्हाट अबाउट दैट? लुक एट द नेक्स्ट पैराग्राफ। इंदस, द इंदस हैज इट्स सोर्स नियर लेक मानसरोवर एंड फ्लोस थ्रू द हिमालय। After flowing through India, the Indus entered Pakistan and finally joined the Arabian Sea near Karachi. Indus जो है कहाँ से शुरू, उसका सोर्स कहाँ से शुरू होता है? लेक मानसरोवर। लेक मानसरोवर। लेक मानसरोवर में से वो स्टार्टिंग होती है। कौन सी नदी? इंदस नदी। इंदस नदी लेक मानसरोवर में से स्टार्ट होके फ्लोस थ्रू हिमालय, हिमालय की ओर बहते। आफ्टर फ्लोइंग इन इंडिया, इंडिया में बहने के बाद वो कहाँ जाते हैं? मिल जाते हैं इंदस एंडर पाकिस्तान। पाकिस्तान में एंडर होता है। फाइनली पाकिस्तान को होके वो अरेबियन सी में आके समा जाता है, सी नियर कराची। कहाँ पे? कराची के पास, कराची में अरेबियन सी में आके वो समा जाता है। There are five rivers that join the Indus. Indus के साथ five नदियाँ join हो जाते हैं। बेचारे जब इंडिया में है तभी उसके साथ five rivers join with Indus. Which are the five rivers? Look at that. The Satluj. सतलज, then 20, then रावी, then चेनाब, then last and जेलम, जेलम। These are the five rivers. The Satluj, Bees, Ravi, Chenab and Jhelum. ये तीनों जो पांच नदी है किसके साथ मिल जाती है? इंदस नदी के साथ मिल जाती है इंडिया, इंडिया में। इस रिवर्स फ्लो थ्रू पंजाब, ये तो सभी कहाँ से बहती है? पंजाब में। इसलिए इस पंजाब का नाम क्या है? पांच वाटर, पांच आ, फाइव आस, पांच आप्स, दैट मींस पंजाब। पांच आप्स मिलने के बाद पांच नदी जो है कहां से बहती है? पंजाब में से। देखो इसमें नदीस रिवर्स फ्लो थ्रू पंजाब एंड पंजाब देन पांच फाइव आप रिवर्स। आप का मीनिंग रिवर्स है, पांच मींस फाइव, तो गेट्स इट्स नेम फ्रॉम द। इस पांच नदियां पंजाब में बह के इंदस के साथ ज्वाइन हो जाता है, इसलिए उस प्लेस का नाम, उस स्टेट का नाम दिया गया है पंच आ। पांच मीन्स फाइव और आब मीन्स वाटर या रिवर, तो पांच आब मिलके उसका मिल गया फाइव आब, दैट मीन्स पंच आ, पंच आब दैट मीन्स फाइव पंजाब। द बकरा नंगल डैम इज ऑन द सतलज रिवर। और सबसे बड़ा इंडिया का सबसे बड़ा डैम है फकरा नंगल। वो फकरा नंगल डैम कहाँ है? पंजाब में सतलज रिवर के भकरा नंगल। भकरा नंगल डैम क्या है? ये डैम है, वो कौन सी नदी में है? ये सतलज रिवर के ऊपर बना है। भकरा नंगल डैम इज ऑन द सतलज रिवर, सतलज रिवर के ऊपर बना गया है भकरा नंगल डैम। वो भी कहाँ है? पंजाब में। सबसे
सबसे बड़ा, कौन कौन से रिवर मिल जाता है, बहती है पंजाब से, पांच रिवर, सतलज, बीस, रावि, चेनाब एंड जैर, पांचों मिलके इसमें ज्वाइन हो जाते हैं इन दस नदी में। और ये पकरानंगल डैम जो है किसके ऊपर बना है, सतलज रिवर के ऊपर बना है पकरानंगल डैम, दैट इज द इंडिया सबसे बड़ा, इंडिया का सबसे बड़ा डैम है पकरानंगल, वो बना है सतलज रिवर के ऊपर। ये पांचों नदियां मिलकर किस में मिल जाता है, ज्वाइन विद इंडस, कहां, इंडस नदी में पंजाब में मिल जाता है। पांच नदी के नाम, पांच नदियां पंजाब से फ्लो होती है, बहती है, इसलिए उसका नाम दिया गया है पांच आ, दैट मींस फाइव रिवर्स, पांच मींस फाइव और आब मींस रिवर्स, तो पांच आ मींस पंजाब, इसे उसको नाम दिया गया है। दिस इज अबाउट इंडस रिवर। नाउ वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट ब्रह्मपुत्र, व्हिच रिवर, ब्रह्मपुत्र। What about Brahmaputra? Okay, look, the Brahmaputra starts near Lake Manu. ये भी कहाँ से start होता है? Lake Mansarovar. उसके पास से ही यही start होता है. In Tibet, कहाँ पे? In Tibet में, India में नहीं है. Mansarovar उधर भी है. तो Tibet में Mansarovar के पास से Brahmaputra start होता है. It is known as the Sangpo there. It is silent there. It is known as the Sangpo there. Tibet में उसका नाम दिया जाता है TSANGPO, Sangpo. तो Tibet में उसका नाम है, ब्रह्मपुत्र का नाम है Sangpo. बोलना T is silent there. T आपको बोलना नहीं है, Sangpo बोलना है. क्या बोलना है? Sangpo. Okay? T is silent there. इट इज नोन ऑफ द सैंगो देयर, टिबेट में उसका नाम है, कौन सी, ब्रह्मपुत्र का नाम है, रिवर ब्रह्मपुत्र का नाम टिबेट में क्या लिया जाता है, सैंगो। इट फ्लोस ईस्टवर्ड्स फॉर अ लॉन्ग डिस्टेंस बिफोर टर्निंग अराउंड एंड एंटरिंग इंडिया इन अरुणाचल प्रदेश। तो ब्रह्मपुत्र बहते 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 ईस्ट में, नॉर्थ ईस्ट में जाके अरुणाचल प्रदेश में आके वो इंडिया में एंटर होता है, अरुणाचल प्रदेश में एंटर करता है। इट फ्लोस ईस्टवर्ड्स फॉर अ लॉन्ग डिस्टेंस, कहां से, हिमाचल से बहुत दूर तक बहने के बाद, बहुत सारे फ्लो होने के बाद अरुणाचल प्रदेश में जाके द ईस्टर्न स्टेट, दैट मींस फाइव सिस्टर, सेवन सिस्टर स्टेट है, उसमें से एक है अरुणाचल प्रदेश। उस अरुणाचल प्रदेश में जाके वो कहाँ एंटर होता है, इंडिया में एंटर होता है। द फ्लो ईस्टवर्ड्स फॉर अ लॉन्ग डिस्टेंस बिफोर टर्निंग अराउंड एंड एंटर इंडिया, पूरा टर्न होके वो इंडिया में एंटर करता है। इन अरुणाचल प्रदेश जॉइन द गंगा इन बांग्लादेश, ब्रह्मपुत्र जो है जॉइन विद गंगा इन बांग्लादेश, कहां पे, बांग्लादेश में जाके बाद में वो किसके साथ जॉइन हो जाता है, गंगा के साथ जॉइन जाता है, बांग्लादेश में जाके ब्रह्मपुत्र गंगा के साथ जॉइन हो जाता है। This is about the Brahmaputra river. Look at the three rivers about, look at that paragraph. First of all, Yamuna. The Yamuna is the most important of the rivers that join the Ganga. New Delhi and Agra are located in its banks. The Chambal is a river that joins the Yamuna. The Yamuna then joins the Ganga at Allahabad or Prayag. Then Indus. The Indus has its source near Lake Mansarovar and flows through the Himalayas. After flowing through India, the Indus enters Pakistan and finally joins the Arabian Sea near Karachi. There are five rivers that join the Indus, the Satluj, Bees, Ravi, Chenab and Jhelum. These rivers flow through Punjab and the Punjab, that means five plus up rivers, get its name from them. The Makranangal Dam is on the Satluj River. Now Brahmaputra. The Brahmaputra starts near Lake Mansarovar in Tibet. It is known as the
sand flow there. The flow, it flows eastwards for a long distance before turning around and entering India in Arunachal Pradesh. It joins the Ganga in Bangladesh. These are about the northern rivers. Now we are going to learn about the southern rivers. ये था सभी northern rivers के बारे में. अब हम लोग learn करने जा रहे हैं southern rivers के बारे में. Okay? That in the कौन सा plateau area में जितने भी होता है, तो सभी rivers के northern plateau के बारे में learn किया है. इसके landforms में. तो next है the Mahanandi. गोदावरी कृष्णा कौन कौन सा महानंदी गोदावरी कृष्णा एंड कावेरी सभी किसकी तरफ होते ईस्टवर्ड्स की तरफ हर एक नदी जो है वेस्टवर्ड्स की तरफ रिपीट सी में बह जाती है बट महानंदी गोदावरी कृष्णा और कावेरी किस तरफ बहती है ईस्टवर्ड्स की तरफ पूर्व की तरफ बहती है देन दे आर द महानंदी गोदावरी कृष्णा एंड कावेरी ये पांचों पांच नदियां जो है There are four important rivers that flow eastwards into Bay of Bengal. कहाँ जाके गिरती है फिर किसके साथ जॉइन हो जाता है Bay of Bengal. बाकी सब नॉर्मली सभी नदियाँ जो है westwards की ओर बहती है और अरेबियन सी में समा जाता है ये four rivers जो है eastwards की तरफ बहती है और Bay of Bengal में समा जाती है तो इस आधार दे आर महानंदी गोदावरी कृष्णा एंड कावेरी द महानंदी फ्लोस थ्रू मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ एंड ओडिशा महानंदी जो है कौन कौन से स्टेट में से बहती है मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ और ओडिशा में से हीराकुड डैम इज ऑन द महानंदी और उसके ऊपर हीराकुड महानंदी के ऊपर बना हुआ उनका महानंदी जो है कौन कौन से स्टेट से बना आता है महानंदी जो है मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ एंड ओडिशा इन तीनों स्टेट में से वो बहती है महानंदी जो है मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ और ओडिशा स्टेट में से बहती है और कौन सा हीराकुड कौन सा बना है हीराकुड इज द डैम में ऊपर उसके ऊपर महानंदी के ऊपर बना हुआ डैम का नाम है हीराकुड डैम इज ऑन द महानंदी नाउ नेक्स्ट पैराग्राफ द गोदावरी स्टार्टिंग फ्रॉम द वेस्टर्न घाट कहां से स्टार्ट होता है गोदावरी का वेस्टर्न घाट में फ्लो राइट अक्रॉस द पेनिनसुला थ्रू महाराष्ट्र तेलंगाना एंड आंध्र प्रदेश कौन कौन सा गोदावरी जो है शुरू हो जाता है वेस्टर्न घाट से और कौन कौन सा स्टेट से बहती है आंध्र प्रदेश देन तेलंगाना एंड महाराष्ट्र इन तीनों स्टेट में से आंध्र प्रदेश तेलंगाना एंड महाराष्ट्र इन तीनों स्टेट में से कौन बहती है गोदावरी नदी बहती है देन इट डेल्टा देन महाराष्ट्र तेलंगाना एंड आंध्र प्रदेश इट डेल्टा इन आंध्र प्रदेश इज वेरी फर्टाइल ये जो नदियां मिलकर जो डेल्टा बना है आंध्र प्रदेश में वो फर्टाइल होती है ए लॉट ऑफ राइस इज ग्रोन हियर कृष्णा स्टार्ट फ्रॉम द ए जो ए है इधर का डेल्टा फेमस है और उधर क्या
फटल और फटल मिट्टी की वजह से क्या डेल्टा फटल होने की वजह से क्या बनती है राइस. ओके लॉट ऑफ राइस ग्रोन हियर. देन कृष्णा स्टार्ट्स फ्रॉम द वेस्टर्न घाट एंड फ्लोस थ्रू महाराष्ट्र कर्नाटक एंड तेलंगाना. कृष्णा नदी जो है कहाँ से बहती है शुरू होता है वेस्टर्न घाट में से और कौन कौन सा स्टेट है महाराष्ट्र कर्नाटक तेलंगाना एंड आंध्र प्रदेश एंड आंध्र प्रदेश एपी में लिख रही आंध्र प्रदेश के लिए. तो महाराष्ट्र कर्नाटक और तेलंगाना एंड आंध्र प्रदेश से बहती है कृष्णा नदी. देन तेलंगाना आंध्र प्रदेश नागार्जुन डैम इज कॉल्ड द कृष्णा. और कौन सी डैम है इसमें डैम जो है नागार्जुन नागार्जुन डैम किस नदी के ऊपर है कृष्णा नदी के ऊपर बना है. तेलंगाना नागार्जुन डैम इज कॉल्ड द कृष्णा रिवर के ऊपर कौन सा डैम बना है नागार्जुन डैम. नाउ बचा है कावेरी. कावेरी द साउथर्नमोस्ट फोर फाइबर्स इन फोर रिवर्स में से सबसे साउथ में है कावेरी. सबसे लास्ट जो है साउथ में से बहती है कावेरी एंड अर्ली इन कर्नाटक कावेरी. और कावेरी कौन कौन सा स्टेट से बहती है द कावेरी द साउथर्नमोस्ट ऑफ द फोर रिवर्स इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिवर फॉर तमिलनाडु. कहां का तमिलनाडु क्योंकि पानी का सबसे ज्यादा शॉर्टेज तमिलनाडु में होता है. तमिलनाडु स्टार्ट फ्रॉम तलकावेरी इन कूर्ग डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटक. और कौन सा डिस्ट्रिक्ट है स्टार्ट फ्रॉम कर्नाटक तो कर्नाटक तो वही तो तमिलनाडु और कर्नाटक में से फ्लो होती है. स्टार्ट फ्रॉम तलकावेरी इन कूर्ग कूर्ग डिस्ट्रिक्ट का तलकावेरी प्लेस में से उसका स्टार्टिंग होता है इन कर्नाटक एंड फ्लोस थ्रू कर्नाटक एंड तमिलनाडु. ये दोनों स्टेट में मिलकर तमिलनाडु और कर्नाटक में मिलकर बहती है कावेरी नदी. द तंजावुर डिस्ट्रिक्ट इज मेड वेरी फर्टाइल बाय द कावेरी. कौन सा डिस्ट्रिक्ट तंजावुर डिस्ट्रिक्ट इन तमिलनाडु तंजावुर इन तमिलनाडु कहां पर है तमिलनाडु तमिलनाडु के छोट में बना रही है. इसको बोला जाता है राइस बाउल ऑफ इंडिया. इंडिया का साउथ का राइस बाउल बोला जाता है. राइस बाउल में सबसे ज्यादा क्या ग्रो होता है उधर चावल. तंजावुर इज नोन आज द क्या बोला जाता है द डिस्ट्रिक्ट ऑफ बेड वेरी फर्टाइल कावेरी एंड इज कॉल्ड द राइस बाउल ऑफ द साउथ. अस्ता राइस बाउल ऑफ द साउथ. साउथ का राइस बाउल बोला जाता है तंजावुर को क्योंकि कावेरी नदी उधर से फ्लो होता है और इतनी फर्टाइल कर देता है सबसे ज्यादा चावल उधर ग्रो किया जाता है. इट स्टार्ट फ्रॉम दैट मीन्स द कावेरी स्टार्ट फ्रॉम तलकावेरी इन कूर्ग डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटक एंड फ्लोस थ्रू कर्नाटक एंड तमिलनाडु. द तंजावुर डिस्ट्रिक्ट इज मेड वेरी फर्टाइल बाय द कावेरी एंड इज कॉल्ड द राइस बाउल. तंजावुर को क्या बोला जाता है राइस बाउल ऑफ द साउथ. द कृष्णा राजा सागर डैम कृष्णराज सागर डैम इन कर्नाटक एंड मेट्रो डैम नियर सेलम आर इन कावेरी. टू टू डैम्स बनाया किसके ऊपर कावेरी रिवर के ऊपर. फर्स्ट वन कृष्णा राजा सागर और दूसरा मेट्रो डैम. ये दोनों डैम कहाँ बना है कावेरी. ये दोनों डैम्स जो है कावेरी रिवर के ऊपर बना है कृष्णा राजा सागर एंड मेट्रो डैम. ये दोनों डैम
कृष्णा कावेरी रिवर के ऊपर बना है. ओके, दीज आर द एक्सप्लेनेशन अबाउट द कावेरी रिवर. देन द लास्ट, द नर्मदा एंड ताप्ती फ्लो ईस्ट वेस्ट वर्ड्स. इन सभी के अलावा नर्मदा और ताप्ती, ताप्ती जो है वो वेस्ट वर्ड्स चलता है. ये फोर रिवर्स तो ईस्ट वर्ड्स चलता है और नर्मदा एंड ताप्ती वो कौन सी तरफ, वेस्ट वर्ड्स. ये फोर रिवर्स जो है ईस्ट वर्ड्स चलने वाला. नाउ नर्मदा एंड ताप्ती कौन सी तरफ, ईस्ट वेस्ट वर्ड्स. दैट मीन्स पश्चिम की ओर बनती है. किसकी तरफ, अरेबियन सी तरफ. पश्चिम की ओर क्या है, पश्चिम. ईस्ट वर्ड्स में क्या है, बे ऑफ बंगाल. वेस्ट वर्ड्स बहती है नर्मदा और ताप्ती जो है वेस्ट वर्ड चलती है. बाकी ये महानंदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी ईस्ट वर्ड चलती है. तो ये दोनों रिवर्स जो है वेस्ट वर्ड चलती है. प्रो वेस्ट वर्ड्स द अरेबियन सी. द सरदार सरोवर डैम हैज बीन बिल्ट अपॉन द नर्मदा. सरदार सरोवर डैम कौन से स्टेट में है, गुजरात में. तो नर्मदा गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र इन सभी स्टेट में से बहती है. और उसमें जो डैम बना है कहाँ बना है, सरदार सरोवर डैम नर्मदा. सरदार सरोवर डैम कौन से रिवर में है, नर्मदा. और देर आर अदर स्मॉल रिवर्स. इसके अलावा भी बहुत सारे रिवर्स इंडिया में है. रिवर्स आर वेरी यूजफुल टू अस. दे गिव अस वाटर फॉर ड्रिंकिंग. क्या क्या आता है हम लोगों का रिवर्स के अलावा, रिवर्स हम लोगों को क्या क्या देता है. दे गिव अस वाटर फॉर ड्रिंकिंग, बैथिंग, वॉशिंग एंड कुकिंग. दे हेल्प अस टू, दे ऑल्सो हेल्प अस एग्रीकल्चर बाय प्रोवाइडिंग वाटर फॉर इरीगेशन. और इरीगेशन के लिए, दैट मीन्स खेती करने के लिए पानी रिवर्स देता है. रिवर वाटर स्टोर इन डैम्स इज यूज्ड टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी. और जो कितने भी रिवर में बताया उतने रिवरों के ऊपर क्या बना होता है, बहुत सारे डैम्स बना होता है. उस डैम के अंदर जो पानी भरा रहता है उसके थ्रू हम लोग क्या प्रोड्यूस कर सकता है, इलेक्ट्रिसिटी. डैम किसके लिए बना था, उसको संभाल के रखना और उसमें से क्या प्रोड्यूस करना है, इलेक्ट्रिसिटी पावर प्रोड्यूस करना, एनर्जी, इलेक्ट्रिसिटी एनर्जी प्रोड्यूस करना है. तो रिवर्स का वाटर किसके लिए काम आता है, हम लोगों को घर का खर्च यूज तो होता ही है. इसके अलावा खेती बाड़ी में, दैट मीन्स एग्रीकल्चर के लिए इरिगेशन देता है. इसके साथ साथ हम लोग उसमें से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं. रिवर वाटर स्टोर्ड इन डैम इज यूज्ड टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी. दिस इज अबाउट द अदर रिवर्स. नाउ लुक एट द पीछे का पेज देख लो, 235, महानंदी, गोदावरी, कृष्णा एंड कावेरी. आई वॉन्ट टू रीड वन मोर टाइम. देर आर फोर इंपॉर्टेंट रिवर्स दैट फ्लो ईस्ट वर्ड्स इन द बे ऑफ बंगाल. दे आर महानंदी, गोदावरी, कृष्णा एंड कावेरी. द महानंदी फ्लोस थ्रू मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ एंड ओडिशा. द हीरापुर डैम इज ऑन महानंदी. द गोदावरी स्टार्टेड फ्रॉम द वेस्टर्न घाट्स, फ्लो राइट अक्रॉस द पेनिनसुला फ्रॉम महाराष्ट्र, तेलंगाना एंड आंध्र प्रदेश. इट्स डेल्टा इन आंध्र प्रदेश इज वेरी फर्टाइल. ए लॉट ऑफ राइस इज ग्रोन हियर. द कृष्णा स्टार्ट फ्रॉम द वेस्टर्न घाट्स एंड फ्लो थ्रू महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना एंड आंध्र प्रदेश. द नागार्जुन सागर डैम इज ऑन द कृष्णा रिवर. नाउ नेक्स्ट पेज. द कावेरी, द साउथर्नमोस्ट ऑफ द फोर रिवर्स, इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिवर फॉर तमिलनाडु. इट स्टार्ट फ्रॉम तलकावेरी इन कूर्ग डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटक एंड फ्लोस थ्रू कर्नाटक एंड तमिलनाडु. द तंजावुर डिस्ट्रिक्ट इज मेड वेरी फर्टाइल बाय द कावेरी एंड इज कॉल्ड द राइस बाउल ऑफ द साउथ. द कृष्णा राज सागर डैम इन कर्नाटक एंड मेत्तूर डैम नियर सेलम आर ऑन कावेरी. The Narmada and Tapti flow westwards in the Arabian Sea. The Sardar Sarovar Dam has been built on the Narmada. There are other small rivers in India.
Rivers are very useful to us. They give us water for drinking, bathing, washing and cooking. They also help us agriculture by providing water for irrigation. River water stored in dams is used to produce electricity. This is the explanation about the rivers of India. Now you note down your homework, today's homework. Okay, last homework में भी मैंने आप लोगों को read करने के लिए दिया था और अपने hard words find out करने के लिए. इसमें बहुत सारे rivers का नाम है, dams का नाम है, ये सब आप लोगों के लिए new है, इसलिए ये सब आपके hard words में आएगा और fill in the blanks में, true or false में, सभी में पूछा जाएगा. इसे आपको read करना आना चाहिए, इसके लिए आप read भी करेंगे और अपने लिए जो hard words लगता है वो अपने आप लिखते भी जाएगा. सो यू हैव टू नोट डाउन योर टुमारो टुडेज होमवर्क ऑल ऑफ यू. रीड द लेसन 6 इंडिया रिवर्स. Okay, so till the next video, have a nice day, bye bye.